हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्रा और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पूछ है? पूछ में आग लगी हुई है? यदि नहीं है तो कामयाब होना बहुत मुश्किल। अगर बजरंगबली का पूछ नहीं होता तो उसमें आग नहीं लगता, और अगर पूछ में आग नहीं लगता तो फिर जो है लंका जलता नहीं, लंका दहन नहीं होता। इस धरती में जब जब किसी ने इतिहास रचा है, जब जब किसी ने बड़ा काम किया है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है उसके पूछ में आग लगना। जिस अमिताभ बच्चन ने इतनी बड़ी इतिहास रचा है, फिल्म इंडस्ट्री में आज के दिन में राज कर रहा है, उस इंसान के पूछ में उस दिन आग लग गया था जिस दिन उसको NDA से बाहर कर दिया गया था। उसको उसके पूछ में उस दिन आग लगा था जब एक रेडियो स्टेशन में उनको ऑडिशन देने के लिए मना कर दिया गया था, कहा गया था कि तुम्हारा आवाज खराब है। महात्मा गांधी के पूछ में उस दिन आग लग गया था जब उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, गिरा दिया गया था कि तुम काले हो, तुम इंडियन कुछ नहीं कर सकते, कह के जो है उनको ट्रेन से गिरा दिया गया था। तब उन्होंने निर्णय ले लिया था, उनके पूछ में आग लग गया था कि तुमने मुझे ट्रेन से धक्का मार दिया, मैं तुम्हें भारत से धक्का मार दूँ। तो इस दुनिया में आज तक जिस चीज ने जो भी इतिहास रचा है, जो भी आज बड़ी लीडिंग कर रहे हैं, जो भी बड़ा लीडरशिप दे रहे हैं, उसके पीछे की कहानी यही है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके पूछ में आग लगी होगी। और इसी से एक कहानी याद आता है। एक माँ बाज चिड़िया अपने बच्चे चिड़िया को, बच्चा बाज को लेके जो है ऊंची उड़ान को जो है उड़ रहा था आसमान में उड़े जा रहे थे। और माँ बाज अपने चिड़िया बाज को, यानी कि बच्चे को बता रहा था कि मैं इस धरती का सबसे बड़ा, हम इस धरती के सबसे बड़ा, सबसे उच्च जाति के चिड़िया हैं। हम जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं उतना ऊंचाई तक कोई दूसरा चिड़िया उड़ नहीं सकता। हमारा नाम तभी तो बाज है। माँ बाज के जुबान से जो है बच्चा जो बाज है वो यही सब बातों को सुन रहा था, एक्साइटेड हो रहा था और जमीन की तरफ नीचे देखता था तो देख रहा था कि सब कुछ जो है बिल्कुल एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं, बादलों के ऊपर हम उड़ रहे हैं। तो उसकी आत्मविश्वास बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि उनको उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चिड़िया पहले दिखा नहीं था, और वो पहली बार उड़ान भर रहा था। और उड़ान भरते भरते वो अपनी ऊँचाई को, और माँ को बोला थोड़ी सी माँ और ऊँचाई को पा लेते हैं, तो माँ चिड़िया और बच्चा चिड़िया जो है थोड़ा सा और ऊंचाई को उड़ जाता है। थोड़ा सा बोला माँ और थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से जो है बच्चा चिड़िया एकदम एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ी उड़ान करने वाला उनके कंपटीटर कोई दिख नहीं रहा था। और उसकी माँ बाज भी जो है उसको यही बात बता रहा था कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन है। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब है जब यही कहते कहते अचानक एक रॉकेट एकदम झां से उड़ता हुआ आता हुआ दिख रहा था। तो बच्चा चिड़िया एकदम आश्चर्य हो गया कि माँ ये कौन सी चिड़िया है? आप तो कह रहे थे कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन है, आप तो कह रहे थे कि हमसे ज़्यादा ऊंचाई कोई पा नहीं सकता, आप तो कह रहे थे कि हम सबसे स्पीडी चिड़िया हैं, तो फिर ये कौन है? तो माँ चिड़िया कहते हैं, बेटा इसका नाम रॉकेट है। क्या? इसकी नाम रॉकेट है। और वो कह ही रहा था तब तक जो है वो रॉकेट जहाँ से ऊपर को जो है चला गया चिड़िया के बीच में से, दोनों चिड़िया के बीच में से, और बच्चा चिड़िया एकदम हिल गया, तिल मिला गया वो, क्योंकि वो इसके लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एकदम हिल गया। और तब उसने पूछा कि माँ तुमने तो बताया ही नहीं कि कोई ऐसा भी चिड़िया है जो हमसे इतना तेज, इतने स्पीड जो है भाग सकता है। लेकिन जो भी हो माँ, मेरे को ये कारण बताओ, इसके अंदर वो कौन सी शक्ति है, इसके अंदर वो कौन सी ताकत है कि हमसे तेज, हमसे भी ऊपर और इतना स्पीड से जो है आसमान को चीरता हुआ चला गया। तो माँ चिड़िया बड़े शर्म के साथ कहता है कि बेटा इसके अंदर वो शक्ति है जो हमारे अंदर शायद नहीं था। ये त्याग कर सकता है, इसने त्याग किया है, इसके अंग जो है टूटता हुआ चला जाता है, जितना वो आसमान की ऊंचाई को छूता है वो जलता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पूंछ में आग लगी हुई है। तो कारण यही है कि उसके पूंछ में आग लगी हुई है। यस, पूंछ में आग। हेलो हेलो दोस्त, हेलो। तो क्या है कहानी? कहानी ये है, चाहे आप बड़े लीडर बनना चाहते हो तो पूंछ में आग लगा लो, आपके कंपनी के पूंछ में आग लगी हुई है। आज बहुत सारी कंपनियां बेहोश सा हो रहा है, वो मीटिंगों में, सेमिनारों में, सारे भीड़ में, अपने सीनियर से, हर लीडर में, हर प्लानिंग में यही सुनता आया है कि उसका कंपनी सबसे बेहतरीन है।
उसके कंपनी के बराबर का कोई और नहीं, उसके कंपनी नंबर वन है। बट जब भी उसका किसी टकराव किसी एलेक्सियन से होता है तो उसको पता चलता है कि हाँ एलेक्स में वो प्लान है जिसमें पहला ही महीना किसी को 1,000-10,000 भी आ सकता है। जैसे ही वो किसी एलेक्सियन से मिलता है तो उसको पता चलने लगता है कि यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट है जिसको बेचने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, इसमें दैनंदिन आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो भी कम रेट। उसको पहली बार पता चलता है कि जो हमने बरसों से नहीं कर पाया ये एलेक्स जो है आज मात्र 1 या 2 साल के अंदर वो सब कुछ करके दिखाया जो अभी तक हम कर नहीं पाए। बट बात सिर्फ कंपनी का नहीं दोस्त, आप भी सोचो कि आपको कैसे कामयाब होना है। एलेक्स ने अपना प्लान बना लिया है, आप पूछ में आग लगा दो, जलने दो उस चिंगारी को जो अभी हवा लेने के लिए बाकी है। जब चिंगारी जलते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं दोस्त, या तो उसमें हवा डाल दो या तो उसमें पानी डाल दो। हवा डाल दोगे तो वो आग की रूप ले लेगा वो चिंगारी, अगर पानी डाल दोगे तो वो बुझ जाएगा। थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी पैर में छाले, यही आपकी कामयाबी की निशान बनेगी। यस, गो सक्सेस, सुपर एलेक्स।